हमारा ब्रह्मांड इतना ज़्यादा विशाल है कि इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। इनमें से एक है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल्स यानी खगोलीय सेलेस्टियल एंटिटीज में आता है ब्लैक होल। जब भी ब्लैक होल का नाम आता है तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय बन जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लैक होल है क्या, ये कैसे बनता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये कैसा दिखता है और इसके ऐसे दिखने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहले आप ब्लैक होल को इमेजिन कर सकते हैं। स्पेस में अगर कोई वैक्यूम क्लीनर है तो आप ब्लैक होल को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। स्पेस के वैक्यूम क्लीनर का जो माउथ है और जब उसको आप ऑन करते हैं वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींच लेता है। उसके आसपास की चीज़ों को बड़ी आसानी से खींच लेता है। उसके मुंह की एक रेंज होती है, जब उस रेंज के आसपास कोई चीज़ आती है तो वो उसको बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। जब ब्लैक होल की बात आती है, बाकी चीज़ें तो सेम है, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ खींचता है। और उसका एक जो एरिया मैंने आपको बताया, जब इस एरिया के अंदर कोई चीज़ आती है तो फिर इससे बचना नामुमकिन है। उस चीज़ को हम कहते हैं इवेंट होराइजन। दूर से देखने पर ब्लैक होल ऐसा प्रतीत होता है जैसे बीच में से बिल्कुल ब्लैक गोलीय डिस्क की तरह और उसके चारों ओर बहुत ज़्यादा हीटेड गैसेस, जैसे कि कोई उसके चारों ओर एक आग लगी हो। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक छल्ले की तरह, और छल्ले के चारों ओर आग लगी है पर उसके भीतर बिल्कुल ब्लैक है। एक बार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में कोई चीज़ एंटर कर जाती है तो उसका निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और यहाँ तक कि अगर इसके अंदर लाइट यानी कि रोशनी चली जाती है तो वो भी इससे बच के निकल नहीं सकती है। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल बनने के पीछे का कारण है, जब दो बहुत बड़े स्टार्स आपस में टकराते हैं उसकी वजह से ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है जिससे वो स्पेस एंड टाइम को चेंज कर सकता है। बहुत साल पहले ब्लैक होल को साइंटिस्टों ने थियोरेटिकली प्रूवन किया था, पर हाल ही में ब्लैक होल की सबसे पहले एक पिक्चर ली गई जिसमें आप क्लियरली ब्लैक होल को देख सकते हैं। जब हम उस छेद के अंदर जाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी? हो सकता है कि ब्लैक होल हमें बिल्कुल ही क्रश कर दे, क्योंकि जब इतनी सारी ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचेगी तो ये चीज़ों को एकदम से स्ट्रेच कर देगी, उनको कंप्रेस कर देगी, और हो सकता है कि हम उसी टाइम हम मर जाए। ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी निगल सकते हैं। इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उन चीज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं।